जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है लक्ष्मी चालीसा। जानेंगे माँ लक्ष्मी जी का चालीसा पढ़ने के नियम और जानेंगे कुछ विशेष तरह की जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं आज के वीडियो में लक्ष्मी चालीसा पढ़ने के खास नियमों की खास जानकारी। मित्रों, धार्मिक शास्त्रों में किसी भी खास अवसर पर माता लक्ष्मी जी का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी का चालीसा पाठ जीवन को खुशहाली से भरकर मनचाहा आशीर्वाद देता है। खासकर लक्ष्मी जयंती और दिवाली के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया जाता है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ यदि नियम के अनुसार करेंगे तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और धन लाभ भी होगा। मित्रों अब जानते हैं लक्ष्मी चालीसा पाठ पढ़ने के नियमों की जानकारी के बारे में। लक्ष्मी चालीसा का पाठ प्रातःकाल ही करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ स्नान से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर शुद्ध आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर ही पाठ करना चाहिए। मित्रों, लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर ही माता लक्ष्मी जी के चित्र या मूर्ति को स्थापित करें। देवी लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश जी की भी एक तस्वीर या मूर्ति अवश्य रखें। पाठ करने से पहले घर में पूजा स्थान पर लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के समक्ष घी का दीपक जलावें। पाठ से पूर्व माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगावें। माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। कुमकुम, घी का दीपक, गुलाब के सुगंध वाली धूप, कमल का फूल, इत्र, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत आदि से माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। पाठ करने से पूर्व लक्ष्मी जी का ध्यान करें और फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ शुरू करें। पाठ करते वक्त बीच में उठना नहीं चाहिए या किसी भी प्रकार की वार्तालाप या इशारे नहीं करना चाहिए। मित्रों, पूजा के बाद पाठ और अंत में लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। मित्रों, ये थी कुछ विशेष तरह की जानकारी माता लक्ष्मी जी के पाठ चालीसा करने की। मित्रों, इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। जो हमारे मित्र इस वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में समझाया जाता है और बड़ी ही अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए प्रतिदिन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।